हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ये जो वीडियो लाया हूँ, खास तरफ से एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कुछ वैकेंसीज निकली है, उस वैकेंसी के बारे में आप सबके साथ बात करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी। अगर आपके पास स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट है और अगर आप 12 पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप जॉब ले सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, ये जो पोस्ट है इसको आप अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा देना पड़ेगा, जो ऑलरेडी 22 तारीख से शुरुआत हो चुकी है और आपका लिया जाएगा 19 नवम्बर 2018, ये इसका डेडलाइन 22 अक्टूबर से लेके 19/11 लास्ट डेट है आपका 19/11 5 बजे तक। आप फी जमा देने के लिए आप 21 तारीख तक दे सकते हैं, 21 नवंबर लास्ट है उसका फी जमा देने के लिए। चालान से दीजिए या ऑनलाइन दीजिए, जैसे भी आपका मर्जी, आप फी ऐसे ही जमा दे पाएंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ये स्टेनोग्राफर के बारे में आप सबको पता है, यहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप डी दो भागों में लिया जाएगा। वो दो भागों में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं एज लिमिट का। आपका एज लिमिट दिया है, देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर अगर ग्रेड सी का पोस्ट आप देना चाहते हैं तो आपका एज 18 से 30 इयर्स तक, अगर आप जनरल कास्ट के हैं 18 से लेके 30 इयर्स तक आप दे सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बोर्न ऑन 2 जनवरी 1989 एंड बिफोर 1/1/2001। अगर आप ग्रेड डी में देना चाहते हैं तो आपका है 18 से लेके 27 इयर्स जनरल कास्ट के, और यहां पर दिया हुआ है बोर्न ऑन 2 जनवरी 1992 एंड बोर्न बिफोर 1/1/2001। लेकिन इसके साथ जैसे हर गवर्नमेंट के रहता है, एससी एसटी और ओबीसी का और पीडब्ल्यूडी का जो एज का रिजर्वेशन रहता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आपको मैं बोल देता हूँ, जैसे एस सी एस टी का 5 साल मिलेगा तो मतलब एस सी एस टी ग्रुप सी में 35 तक दे सकते हैं, ओबीसी का 3 साल तो वो लोग 33 तक दे सकते हैं, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व का होने से 10 साल, ओबीसी का होने से 13 साल, एस सी एस टी का होने से 15 साल, एक सर्विस मैन है अगर आप तो आपका 3 साल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये है आपका एज का इलेक्शन। आप देखते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, साथ में यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप सिविलियन एम्प्लॉयज है जो 3 साल मतलब नॉट रेगुलर काम किए हैं तो आप, अगर एज आपका 40 है तब भी आप दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज आपका दिया हुआ है, देखिए एस सी एस टी का होने से 45 होगा। अगर कोई वोमेन है जो विडो है या डाइवोर्स लिए हुए है तो उन सब के लिए भी मतलब 35 ईयर्स तक दे सकते हैं। तो अगर आप एस सी एस टी के हैं तो 40 इयर्स तक दे सकते हैं, विडो वुमेन या सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड, तो ये सब कैटेगरी में मतलब एज अलग है आपका 40, 35 ऐसे दिया हुआ है। अब आते हैं फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका यहाँ पर योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए में, द कैंडिडेट मस्ट हैव 12th स्टैंडर्ड पास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आप कहीं से भी मतलब 12 पास किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका यहाँ पर दिया हुआ है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेट 16/10/6/2015 पब्लिश इन गैजेट ऑफ इंडिया ऑल द डिग्रीज डिप्लोमास सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग। तो मतलब इसके साथ अगर आप स्टेनोग्राफर में देना चाहते हैं तो आप स्टेनोग्राफर का आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहाँ पर 12 पास और स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। ओके फ्रेंड्स, आप आते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन फी, आप एप्लीकेशन फी कितना देना पड़ेगा आपको। तो देखिए, फी पेबल ₹100 ओनली। फी कैन बी पेड थ्रू एसबीआई चालान, एसबीआई नेट बैंकिंग और यूजिंग वीजा मास्टर कार्ड रुपए कार्ड एंड डेबिट कार्ड, किसी भी करके आप मतलब यहाँ पर ₹100 जमा कर सकते हैं ऑनलाइन या कैश, एसबीआई चालान कैसे भी। और यहाँ पर बोला है वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी और एसटी विद पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम फी पेमेंट ऑफ फी। तो समझ में आ गया होगा आपको, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जो वुमेन है
वुमेन कैंडिडेट और वुमेन जो एससी एसटी जो कैंडिडेट है उन सब का फी देना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन जो फी है 100 रुपीज वो देना जरूरी नहीं है, ये मैंने पहले ही आप सबको बता दिया। ऑनलाइन फी आप 2011-2018 तक दे सकते हैं। आप चलते हैं ये फॉर्म को, एप्लीकेशन को कैसे जमा करें, कैसे आप अप्लाई करें, तो इसके लिए मैं आपको वेबसाइट का पता दिखा देता हूं। वेबसाइट है आपका हाउ टू अप्लाई, देखिए तो हाउ टू अप्लाई में जाने के बाद देखिए आप एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली एट ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी हेडक्वार्टर्स। आप देख सकते हैं www.ssc.nice.in, ये है उनका वेबसाइट। इस वेबसाइट में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियली ये जमा देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट डेट है आपको 1911, ये पहले बोल चुके हैं। तो www.ssc.nice.in ये है वेबसाइट, इस वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन ये फॉर्म जमा देना पड़ेगा। और आपका नेक्स्ट एग्जाम कब होगा मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट किस तरह से लिया जाएगा वो भी बोल देता हूँ आपको। जो सिलेबस है ये जो एग्जाम का, तो यहाँ पर सिलेबस देखिए आप, पार्ट वन में रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पर 50 रहेगा क्वेश्चन और मार्क्स भी रहेगा आपका 50। जनरल अवेयरनेस इसमें रहेगा आपका क्वेश्चन 50, मार्क्स भी रहेगा 50। और इंग्लिश लैंग्वेज इसमें भी रहेगा आपका क्वेश्चन 100, मार्क्स रहेगा आपका 100। तो ये है आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट लिया जाएगा वो इसका सिलेबस है, आपको इसी के ऊपर स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 1 फरवरी 2019 से लेके 6 फरवरी 2019, इसी में आपका एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसके बाद आपका प्रैक्टिकली कंप्यूटर का जो स्टेनो का टेस्ट वो भी लिया जाएगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये है, बाद वाला नोटिफिकेशन अभी तक दिया नहीं है। तो आपका मतलब फरवरी तक टाइम है आपको प्रिपेरेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यही है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी का पूरा शेड्यूल, कब से क्या करना है, एग्जामिनेशन डेट सब कुछ मैंने आप सबको बता दिया। तो आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एमडीटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।